नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी 2005 हल प्रश्न पत्र, जो सभी पीटीआई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जिसमें आज का पहला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5 महाद्वीपों से। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, यहाँ पर 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी? तो महात्मा गांधी, यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मांसपेशी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है? तो लैटिमस डॉर्सी, यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1984, 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा का ध्येय है तो मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, यहाँ पर 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना और इस विकास के प्रमुख 4 क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य, चरित्र, नागरिकता और मनोरंजन। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा। ऑपरेशन ओलंपिक का संबंध है तो सेना से, यहाँ पर 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभंकर की प्रथा शुरू हुई तो 4 ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। ओलंपिक में शुभंकर का प्रयोग पहली बार 1968 के मेक्सिको ओलंपिक में हुआ। शुभंकर का चयन मेजबान देश अपनी संस्कृति एवं परंपराओं के अनुरूप करता है। प्रथम ओलंपिक शुभंकर का नाम पालोमा रखा गया था, जो एक कबूतर था। 1968 से ओलंपिक शुभंकर निम्नलिखित हैं तो मेक्सिको ओलंपिक 1968 जो पालोमा था, और म्यूनिक ओलंपिक 1972 बाल्दी, जो कि एक सुकारी कुत्ता था। शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक कार्य है तो समाज की जागरूकता, यहाँ पर 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लंबी दूरी की दौड़ में धावकों द्वारा पूरे किए गए चक्रों का रिकॉर्ड कौन रखता है? लैप स्कोरर, 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कबड्डी खेल में रेडर को कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक प्राप्त होता है? तो 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6 खिलाड़ी। खेल प्रबंधन डैश है तो कला और विज्ञान दोनों, 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ।2006 में एशियाई खेल कहाँ हुए थे? तो दोहा में, 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2006 में एशियाई खेलों का आयोजन दोहा में हुआ था। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली नेशनल स्टेडियम में हुआ था, इसलिए खेलों का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उन्होंने इस अवसर पर खिलाड़ियों को एक संदेश भी दिया था, खेल को खेल भावना से खेलो, महत्वपूर्ण है। वॉलीबॉल का जन्मदाता देश, तो 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। वॉलीबॉल का आविष्कार 1895 ईस्वी में अमेरिका में हुआ। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के शारीरिक निदेशक विलियम जी मॉर्गन को इस खेल का आविष्कारकर्ता माना जाता है।
कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो प्रदर्शन पद्धति, टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम भार होता है तो 650 ग्राम, थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम वजन 650 ग्राम होता है। बास्केटबॉल की शुरुआत 1891 ईस्वी में अमेरिका में हुई। डॉक्टर जेम्स नाथ स्मिथ को इस खेल का जन्मदाता माना जाता है। 19वीं शताब्दी में यह खेल अमेरिका से निकलकर पूरे विश्व में फैल गया। भारत में इस खेल की शुरुआत 1900 के आसपास अमेरिका धर्म प्रचारकों द्वारा हुई। खो खो मैच की व्यवस्था के लिए अंपायर होना चाहिए तो दो अंपायर, टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनमिया रक्त की कमी का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी, यहाँ पर टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन, वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैडमिंटन खेल की शुरुआत 1870 ईस्वी के आसपास महाराष्ट्र के पूना नगर में हुई। यहाँ पर ब्रिटिश सेना के भारतीय अधिकारियों ने इस खेल की शुरुआत की। 1948 ईस्वी में विश्व चैंपियन पुरुष थॉमस कप की शुरुआत हुई। सन 1957 ईस्वी में महिला चैंपियनशिप के लिए उबेर कप की शुरुआत हुई। बल का प्रयोग किए बिना किसी समूह से वंचित कार्य करवाने की योग्यता को कहते हैं? तो नेतृत्व, यहाँ पर टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं, यहाँ पर थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाटर पोलो एक अन्य रूप वाटर पोलो है। यह खेल पानी से भरे तालाब में खेला जाता है। वाटर पोलो के मैदान की माप 30x20 मीटर होती है। इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। ओलंपिक झंडे का रंग होता है तो सफ़ेद, टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक का उद्देश्य 3 लैटिन शब्दों में निहित है जिसमें अल्टियस का अर्थ है तो अधिक ऊंचा, थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.22 मीटर, थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जान बर्नार्ड बेस्टो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम? तो फिलेंथ्रोपिनम, यहाँ पर थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायनमोमीटर यंत्र किसी व्यक्ति की शक्ति मापन का कार्य करता है। इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो अमेरिका में, थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करती है? तो पेनक्रियाज, फोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाराजा पितपुरम कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष में हुए थे? तो 1951 में हुए थे, जो कि नई दिल्ली में हुए थे। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, कामक विकास, मानसिक विकास एवं मानवीय संबंधों का विकास करना। यह कथन किसका है? तो चार्ल्स बूचर, वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता तो इंग्लैंड को माना जाता है, टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टिसिएन बोर्ड किस खेल प्रतियोगिता से संबंधित खेल उपकरण है? तो लंबी कूद, यहाँ पर टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ओलंपिक उद्घाटन के मार्च पास्ट के समय सबसे आगे कौन सा देश रहता है? तो ग्रीस, 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिनों की होती है? तो 16 दिन, 1 ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। खेल क्रीड़ाओं से बल, गति, संतुलन के कौशल, नैतिकता और संवेगों पर व्यक्ति नियंत्रण करता है, यह कथन किसका है? तो 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रूसो का। टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है, यहाँ पर 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए थे? तो 776 BC में, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पुरुष वर्ग के लिए भाला प्रक्षेपण हेतु भाला की अधिकतम लंबाई होती है? तो 2.70 मीटर, 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाला एक वृत्तचाप के पीछे से फेंका जाता है जो कि 4 मीटर चौड़े और 36.50 मीटर लंबे दौड़ पथ के मुहाने पर लगी होती है। पुरुषों के लिए भाले की लंबाई 260 से 270 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 220 से 230 सेंटीमीटर होती है। भारतवर्ष में खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की शुरुआत किस सन में हुई? 1970-71, 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खेलकूद की सभी गतिविधियों के लिए बुनियादी घटक कौन सा है? तो मांसपेशीय क्षमता, 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महिला वर्ग में 100 मीटर बाधा दौड़ की कीर्तिमान स्थापित करने वाली भारतीय महिला? तो पीटी उषा, 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोनियोमीटर क्या मापने में प्रयुक्त होता है? तो लचीलापन, 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है? लाल रंग की। क्रिकेट पिच के सेंटर से बाउंड्री लाइन की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 65 गज। ओलंपिक का मुख्यालय स्थित है? तो स्विट्जरलैंड, यहाँ पर 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई खिलाड़ी प्रशिक्षक की देखरेख में सीधे सीखे हुए कौशलों का अभ्यास करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ग्रूविंग द स्ट्रोक, 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैंप के लिए जगह चुनाव करते समय आप किस चीज़ का ध्यान में रखेंगे? तो जगह प्राकृतिक तथा शहर से दूर हो, यहाँ पर 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको है? तो कार्डवेल कुक, 2 ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। माइकल जॉनसन किस खेल से संबंधित हैं? एथलेटिक्स, 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वॉलीबॉल में एंटीना का क्या रंग होता है? तो लाल, सफ़ेद, 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बास्केटबॉल खेल में 10 मिनट का खेल समाप्त होने पर विश्राम का समय कितना होता है? तो 2 मिनट, यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 110 मीटर हर्डल दौड़ में प्रारंभ रेखा से प्रथम हर्डल की दूरी होती है? तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 13.73 मीटर। भारत में सर्वप्रथम किस समाचार पत्र द्वारा खेल समाचारों को प्रकाशित किया गया था? तो 1 ऑप्शन करेक्ट है, द हिंदू। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में कब शुरू हुआ? तो 7 मई 1961, 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किसने किया था? तो यूनान वासियों ने। 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोल वॉल्ट में क्रॉस बार की लंबाई होती है, तो 4 ऑप्शन करेक्ट है, 4.50 मीटर। खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य है, तो उपर्युक्त सभी। 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बीएस चौहान किस खेल से संबंध रखते हैं? तो डेकाथलॉन। 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। 1 ऑप्शन करेक्ट है। प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? विंटर बॉटम। 4 ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी दी जाती है, तो क्रिकेट में दी जाती है यहाँ पर। 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वृद्ध एवं विकास की 12 से 18 वर्ष की अवधि को कहते हैं, तो किशोरावस्था। यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट है। बैटन का प्रयोग किस खेल में होता है? तो रिले दौड़ों में। 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वॉलीबॉल में स्थापन खिलाड़ी कितने होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार 1895 ईस्वी में अमेरिका में हुआ। मैच में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, तथा स्थापन खिलाड़ियों की संख्या भी 6 होती है। वॉलीबॉल में 7 अधिकारी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्रकार की सर्विस होती है। कई पिरामिडों को मिलाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और बीच में अच्छा खिलाड़ी होता है, ये कौन सी विधि है? तो स्पाइडर वेब विधि। यहाँ पर 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो शूटिंग से। अभिनव बिंद्रा शूटिंग खेल से खेल के खिलाड़ी हैं। शूटिंग के अन्य प्रमुख खिलाड़ी समीर अंबेडकर, जसपाल राणा, समरेश जंग, अंजलि वेद पाठक और सुमा जरूर, श्वेता चौधरी, राजवर्धन सिंह राठौर, चरण सिंह इत्यादि। निम्न में से कौन एस्कार्बिक अम्ल का सबसे बढ़िया स्रोत है? तो आंवला। यहाँ पर 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सबसे सस्ता खेल है? तो एथलेटिक्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा शिक्षण के किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है? तो मॉडल। यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंजू बाबी किस खेल से संबंधित हैं? एथलेटिक्स। 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज कौन था? तो जिम लेकर। यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा हो तो कौन सा उपचार अच्छा है? स्ट्रीम बात। यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग होता है? तो लाल होता है। 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सन 2012 ईस्वी के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो लंदन में। 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हॉकी खेल में कितने निर्णायक होते हैं? तो 2 निर्णायक। 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो 6 रोग, टिटनिस। यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेचक, खसरा विषाणु जनित रोग है। बाकी 3 ऑप्शन विषाणु रोग से संबंधित हैं। प्राचीन शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं था? तो फायरिंग। यहाँ पर 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैडमिंटन रैकेट की लंबाई इससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 680
मिलीमीटर, टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग का संबंध है तो बास्केट वाल, वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वासकोर रोग किस तत्व की कमी से होता है तो प्रोटीन की कमी से, फोर ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। मांसपेशियों को सुदृढ़ और सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो उपर्युक्त सभी, फोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यायाम, भोजन, विश्राम। मोच के तुरंत उपचार के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त हो की जाती है तो यहाँ पर फोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मालिश। फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती तो अनजाने में बाल हाथ से छूने पर, वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई खिलाड़ी चलता है तो चलते समय हाथों और पैरों में होने वाली क्रिया में कौन सी गति होती है तो कोणीय गति, वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एरोबिक सहन शक्ति वाले व्यायाम में आवश्यक है ऑक्सीजन, वन ऑप्शन करेक्ट है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाले बाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है तो प्रकाश पादुकोण, फोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण हैं। पादुकोण ने 1980 में इस चैंपियनशिप का एकल खिताब जीता था। ईस्ट पेप्सिन या लाइपेज वसा को ग्लिसरीन के रूप में कहां पर परिवर्तित किया जाता है तो आमाशय में, थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था तो एससी वक्त, फोर ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है तो मैंडिबल, वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है तो कैल्शियम, फोर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अर्जुन अवार्ड कब प्रारंभ हुआ था तो 1961 में, वन ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। वॉलीबॉल में दोनों पोलों के बीच की दूरी होती है तो 10 मीटर, टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हड्डी में कौन सा लवर सबसे अधिक होता है तो कैल्शियम फास्फेट, वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है तो कार्बोहाइड्रेट्स, टू ऑप्शन करेक्ट है। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ था तो सन 1957 में, थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने मीटर की दौड़ में हीट की आवश्यकता नहीं होती है तो 10,000 मीटर, फोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र का नाम तो स्फिग्नोमैनोमीटर, यहाँ पर टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स, टू ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस किस वर्ष में शुरू हुई तो 1969, थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय उड़न सिख खिलाड़ी का नाम है तो मिल्खा सिंह, फोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं तो उपर्युक्त सभी, फोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित हुआ था तो 1985 में, यहाँ पर थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस रोग से शरीर के अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं, फाइलेरिया, यहाँ पर थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
खो-खो में स्वतंत्र छेद की चौड़ाई होती है, तो थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2.75 मीटर। अगला ऑप्शन है, रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार से होती है, तो गुर्दे के, यहाँ पर वन ऑप्शन करेक्ट है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्थापित या प्रारंभ हुआ था, तो 1991-92 में, यहाँ पर वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान धनराशि 25 लाख रुपए है, आप लोग ध्यान रखेंगे। खो खो में एक पारी में समय अवधि होती है, तो 9 मिनट, थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खो खो में एक पारी की समय अवधि 9 मिनट होती है। खो खो क्रीड़ा क्षेत्र माप मीटर 27 गुणे, अब 16 मीटर है, पहले 29 गुणे 16 मीटर थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। सत्ताईस गुणे 16 मीटर खो खो मैदान की लंबाई चौड़ाई। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 9 खिलाड़ी खेलते हैं, 3 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। खो खो स्तंभों की परिधि 30 सेंटीमीटर होती है, इसमें लेन के वर्गों की संख्या 8 होती है। लंबी दौड़ में प्रतिदिन एथलीट को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, तो 5000 से 5500 कैलोरी, टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया, तो विश्वनाथन आनंद को, यह शतरंज के खिलाड़ी हैं। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की प्रतियोगिता का स्वीकार किया गया था, तो 1900 पेरिस ओलंपिक, टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी क्या नहीं कर सकता, तो यह उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर फोर ऑप्शन, यानी कुछ भी नहीं कर सकता, यह तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। मानव के मोटापे का मुख्य कारण, तो यहाँ पर टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बासी ऊतक में वृद्धि। वॉलीबॉल में हाल की ऊंचाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, तो 12.5 मीटर, यहाँ पर फोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई होती है, तो 2.24 मीटर, यहाँ पर टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार 1895 ईस्वी अमेरिका में हुआ। 1951 में भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना हुई थी। इस खेल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी स्थापन होते हैं। इसमें स्त्रियों के नेट की ऊंचाई 2.24 मीटर तथा पुरुषों के लिए 2.43 मीटर होती है। खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया था, तो जी टी डब्ल्यू पैट्रिक द्वारा, यहाँ पर वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सन 2006 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे, तो मेलबर्न, यहाँ पर थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह कथन है, तो अरस्तु का, टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो 42.195 किलोमीटर।
यहाँ पर थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थित है? तो मध्य प्रदेश, यहाँ पर थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, बास्केटबॉल खेल क्षेत्र के केंद्रीय वृत्त में बाल उछालने को क्या कहते हैं? तो जंप बॉल, यहाँ पर थ्री ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिविर का अनुशासन होता है तो कठोर होता है, टू ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एथलीट अपने जूतों में अधिक से अधिक कितने लंबे स्पाइक का प्रयोग कर सकता है? यह सतह सिंथेटिक हो तो फोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 9 mm। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी बालक द्वारा एक खेल में वीरता का अभिनय किया जाता है तो यह खेल किस प्रकार के खेल में आता है? तो संवेगात्मक खेल, फोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग तैयारी करते रहिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी।